नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म किस तरह से जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसा कि आप अपने मोबाइल से ही अपने पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म बहुत ही आसानी तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप अपना अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं या किसी का भी फिलअप करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म बहुत ही आसानी तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसा कि मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा नीचे आ जाना है और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आ जाता है। जैसे कि ऊपर लिखा होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा। और अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ऑप्शन शो होकर आ रहा है। पहला ऑप्शन है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि रूरल पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको अर्बन फार्मर पे सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है, जैसा कि लिखा होगा इंटर आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। और उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा आपको उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर लिखा होगा मोबाइल नंबर, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और उसके बाद में अब आपको यहां से अपना स्टेट चूज कर लेना है, आपका जो भी स्टेट हो आप यहां से अपना स्टेट सिंपली चूज कर लीजिएगा। और स्टेट को चूज करने के बाद में आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद में आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आप गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 अंक का ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर कर लेना है। और ओटीपी को एंटर करने के बाद में आपको फिर से इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर कर लेना है। और कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का ओटीपी दोबारा सेंड कर दिया जाएगा, जैसा कि अब आपके आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया होगा। जैसा कि यहां पर लिख के आ जाएगा एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी, यहाँ पर लिख के आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पर अपना 6 अंक का ओटीपी फिल करना है। और उसके बाद में आपको इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करना है। और फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई आधार ओटीपी पर सिंपली क्लिक कर देना है। और अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं गई होगी तो आपको रिसेंट ओटीपी करके अपना ओटीपी मंगवा लेना है। आपको इतना करने के बाद में वेरीफाई आधार ओटीपी पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप वेरीफाई आधार ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगला डिटेल कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिख के आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। आपका जो भी जिला हो अपना जिला यहाँ से चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट हो अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, तो आपका जो भी तहसील हो आप अपने यहाँ से तहसील चूज कर लीजिएगा। और तहसील को चूज करने के बाद में अब आपको यहाँ से अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। और ब्लॉक को चूज करने के बाद में आपको यहाँ से अपना विलेज चूज कर लेना है। आपका जो भी विलेज हो आप यहाँ से अपना विलेज चूज कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर पूरा ढेर सारा विलेज शो के आ ही रहा है, तो आप अपना विलेज यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। और ढूंढने के बाद में आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना, थोड़ा नीचे चले आना है। और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पर शो होके आ जाएगा और यहाँ पर जेंडर शो होके आ जाएगा। आपको यहाँ से अपना कैटेगरी चूज कर लेना है, आपका जो भी कैटेगरी हो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आप जनरल या अदर से आते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, या ST से आते हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ से अपना फार्मर टाइप चूज करना है। अगर आप स्मॉल फार्मर हैं तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। अगर आप अदर हैं तो आपको अदर पे करके आपको लिख देना है जो भी हैं आप। तो मैं जो है स्मॉल पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लैंड रजिस्ट्रेशन ID, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके जो है अपने जमीन का रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसा कि आपके जमीन का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा कि आपके जमीन का कागज जो निकलता है भू लेख से आपको उसमें देखेंगे तो खसरा नंबर लिखा होता है, तो आपको उसी खसरे नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर आपको फिलअप कर देना है। और राशन कार्ड नंबर को फिलअप करने के बाद में अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, तो आपको इस पर क्या करना है, एस पे क्लिक कर देना है। और एस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा होगा ओनरशिप लैंड होल्डिंग, तो यहाँ पर आपको सिंगल पे सेलेक्ट कर लेना है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप इसमें ज्वाइंट करना चाहते हैं तो आप इसमें ज्वाइंट भी कर सकते हैं।
और इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन शो होकर आ रहा होगा, तो आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। और ऐड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिटेल्स हो के आ जाएगा। जैसा कि अब आपको यहाँ पर अपना खाता नंबर यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा सर्वे या खाता नंबर, तो आपको यहाँ पर अपने ज़मीन का खाता नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। और उसके बाद में आपको खसरा नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, अपने खेत का जो भी आपके खेत के कागज़ में खसरा नंबर हो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। और उसके बाद में आपका खेत कितना एरिया में है, कितना इन हेक्टेयर में है, आपको यहाँ पर अपना टोटल एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस। अगर आपका जो है 1 फरवरी 2019 के पहले का है तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है, अगर आपका 1 फरवरी 2019 के बाद का है तो आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और इतना करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा पाटा नंबर RFA, तो आपको इस पर नो पे सेलेक्ट रहने देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लैंड ट्रांसफर डिटेल, तो आपको क्या करना है इस पर सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डेथ ऑफ हस्बैंड, आपके पति के उपरांत जो है आपके नाम जमीन हुई है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर लिखा होगा डेथ ऑफ फादर, आपके पिता के उपरांत जो है आपको जमीन आपके नाम हुई है तो आपको दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है। या आप जो है या आप अपना जमीन खरीदे हैं परचेज आप लैंड यहाँ पर लिखा होगा, या गिफ्टेड आपको गिफ्टेड में मिली है, या लैंड गारंट अलाटमेंट हुआ है, तो आपका जो भी हो आप यहाँ से अपना डिटेल चूज कर लीजिएगा। और चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना डेट इंटर कर लेना है, जिस भी तारीख को जो है आपके नाम जो है जमीन हुई है आपको उस तारीख को यहाँ पर फिल कर देना है। और सिंपली फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जैसे लिखा होगा आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर, जैसे कि पहले जो है किसके नाम से जो है खेत था यहाँ पर लिखा होगा प्रीवियस। जैसा कि अगर आपके पिता के उपरांत जो है आपके नाम जो है जमीन हुई है तो आपको यहाँ पर अपने पिता का आधार डाल देना है, या आप खुद ही खरीदे हैं तो आपको यहाँ पर अपना आधार का नंबर डाल के आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने ज़मीन का कागज़ यहाँ से चूज कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर अपने लैंड का यहाँ पर लिखा होगा लैंड, तो आपके ज़मीन का जो भी कागजात होगा आपका जो भी खेतौनी का नकल होगा आपको सिंपली उसी को यहाँ से चूज करके आपको PDF फाइल में अपलोड कर लेना है। जैसा कि आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का शो होके आ जाएगा, जैसे कि मैं जो है कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का शो होके आ रहा है। तो अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल में आपका ये शो होके आ जाएगा, तो आपको सिंपली इसको अपलोड कर लेना है। और करने के बाद में आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है, तो आप सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगा। आपका रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ जाएगा स्टेटस में, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, योर फार्मर ID इज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आपका फार्मर ID भी नंबर मिल गया है। आप यहाँ से अपना इस फार्मर ID को जो है नोट करके कहीं पर रख लीजिए, कहीं पर इसको जो है लिख करके रख लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से जो है PM किसान सम्मान निधि का फॉर्म बहुत ही आसानी तरीके से अपने मोबाइल से ही फिलअप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि PM किसान सम्मान निधि का फॉर्म किस तरह से जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, किस तरह से फिलअप किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।